हलका पीएस 117 में पोलिंग स्टेशन के लिए जगह कम क्या पड़ी कि मेन फुटपाथ पर ही पोलिंग स्टेशन कायम कर दिया गया। फुटपाथ पर पोलिंग नंबर 37 और 38 देखकर पोलिंग अमला और आवाम दोनों ही तश्वीश में मुब्तला हो गए। खुली फजा में सजे पोलिंग के पिंडाल में ना बिजली है ना है पानी। वोटर्स के साथ साथ अमला भी सहूलियात से महरूम। मेहरबानी अदा कर रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं, जज़ाकअल्लाह कह रहे हैं जिन्होंने हमें सड़क के काबिल भी समझा तो हमें सड़क पे बिठा दिया इन्होंने। और कोई पुरसाने हाल नहीं है हमारा, हम सुबह 6 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं, न पानी है पीने को, न लाइट है, न फैन है, न कुछ है। हम असिस्टेंट प्रेजाइडिंग हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि कुछ हो जाए तो फिर वो होगा कि भाई ये थी और मुसीबत आ जाएगी। हत्ता के पोलिंग अमले के लिए वॉशरूम तक की सहूलियात का कोई इंतजाम नहीं किया गया। पोलिंग स्टेशन नंबर 37 और 38 मार्टन क्वार्टर में कायम किए जाने थे, लेकिन स्कूल की इमारत जेरे तामीर होने के बायस इलेक्शन कमीशन ने फुटपाथ को ही गनीमत समझा और पोलिंग स्टेशन बना दिया गया। ये तो गवर्नमेंट को चाहिए था, इलेक्शन वालों को चाहिए था कि उनको पहले सर्वे करना चाहिए था कि भाई पोलिंग स्टेशन कहाँ बनाना चाहिए और जो अगर सही है। अब ये इधर इन्होंने फुटपाथ पे बना दिया है तो यहाँ पे ना लाइट है ना पानी है और वाटर को भी परेशानी हो रही है। लेकिन हमारे तो ये है कि सरकारी लोग हैं, हमें कहीं भी बिठा देंगे, हम तो ड्यूटी करने को तैयार हैं, लेकिन ये है कि आप देख लें किस तरह कर रहे हैं हम लोग ड्यूटियाँ। अमला और वोटर्स अदम सिक्योरिटी के बाइस किसी भी ना खुशगवार वाक्य के खौफ में मुब्तला अपने अपने फराइज अंजाम देते रहे।